आइए हम ऑफिसर्स क्लब में हैं। इनरविल क्लब की तरफ से आज सावन का पर्व जो है चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। आइए देख सकते हैं किस तरीके से आज तीज का हैप्पी तीज आप लोग मना रही हैं। इनरविल क्लब की संस्था से आप यहाँ लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं ऑफिसर्स क्लब में किस तरीके से सजावट देख रहे हैं, बड़ा उत्साह है और तीज का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से आज इनरविल क्लब की तरफ से ऑफिसर्स क्लब में मनाया जा रहा है। हम देख सकते हैं जिस तरह से, क्या आज आप लोग का किस तरह का आयोजन है बताइए। सावन का आयोजन जी, सावन का आयोजन सावन क्या होगा आज? कजरी होगी, लोक नृत्य होगा, सबका खाना पीना अच्छे से होगा, मेहंदी होगा, गेम होगा, सब धूमधाम मचाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे। ये आप लोग ये झूले वगैरह बना रहे, इसमें कौन झूलेगा? हम सब मेंबर झूलेंगे, सावन के झूले हैं, सावन का झूला है। तो अभी ये कार्यक्रम अब 3 बजने जा रहे हैं, कब शुरू? बस शुरू ही हो गया, 10 मिनट में सब पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच तक चलेगा, 6 बजे तक। कितने लोग शामिल होंगे इस आयोजन में? 60। तो सबकी अलग अलग व्यवस्था है कि एक मंच पे? नहीं नहीं, एक मंच पे है, हम एक हैं, एक मंच ग्रुप प्रोग्राम है। ठीक है, ग्रुप है। तो अभी आप लोगों की संख्या कम लगा, धीरे धीरे लोग धीरे धीरे लोग बस आ ही रहे, आ ही रहे। चलिए, आपने बताया कि ये हर साल की भांति इस साल भी क्लब की तरफ से ये आयोजन हो रहा है और हमें लगता है कि पूर्वांचल की बात करें, यूपी की बात करें, तो हर जनपदों में कहीं ना कहीं इनरविल क्लब जो संस्था है हर तरीके से अपना कार्यक्रम का, अभी बनारस में आपने देखा, जौनपुर में देखा, मिर्जापुर में देखा, गोरखपुर में देखा, जिस तरीके से इनरविल क्लब की तरफ से जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित थे तीज के पर्व पर, खास तौर पे देखा जा रहा है कि हैप्पी तीज का इन्होंने बैनर लगाया ऊपर है और सावन का जो आप देख रखते हैं, एक सावन में जो कार्यक्रम होता है वाकई इनरविल क्लब की तरफ से बड़ा ही बेहतर होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, देखने लायक होता है, लोग देखते हैं। हम फिर चर्चा करेंगे, आइए हम किसी और लोग से बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? नीलम सिंह। क्या क्या आयोजन होगा आज में? आज हम लोग बहुत तैयारी किए हैं, गेम भी है, फिर डांस नाच भी है, सब है, हाँ हाँ, खाना पीना भी है। चलिए फुल मस्ती, पुरानी परंपराओं को देखते हुए इस तरह का आयोजन। आइए जय सिंह से बात करते हैं जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो कैसा लगेगा प्रोग्राम आज? तो सारे लोग एक साथ जुटे, कितने दिन बाद जुट रहे हैं आप? लगातार कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होता ही रहता है, कम ज़्यादा लोग आते रहते हैं। आज हम लोग उम्मीद किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आएंगे। आइए देखिए, इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट सरिता गुप्ता जी भी आ गई हैं। अभी आपने देखा है कि इस जब से आप क्लब की अध्यक्ष बनी हैं तब से विभिन्न कार्यक्रमों को देखने को मिल रहा है। आज आपने देखा इस तरह का आयोजन में क्या तैयारी है। आइए बात करते हैं, आप लोग भी आ जाइए बाहर में, आप सब लोग जी। चलिए, वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। जया सिंह जी कर रही है, सरिता गुप्ता जी का स्वागत कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। वाकई टीम बहुत अच्छी मिली है आपको, कुछ करने लायक टीम मिली है। सोशल पे आप देख सकते हैं बच्चों के क्षेत्र में बच्चे कैसे बेहतर हों, तमाम कार्यक्रमों में आप ये टीम जो है सक्रिय भूमिका में। आइए बात करते हैं, पहली बात तो बधाई आप लोगों को आज के कार्यक्रम, आप लगता है कि चलिए कोई बात नहीं। आयोजन में जैसा आप लोगों ने बताया है जी, आज के आयोजन में स्पेशल तैयारी है, किस तरह की तैयारी? हमारे इनरविल जो क्लब है और हम लोग के महिलाओं का जैसे होता है ना एक खुशी का त्यौहार, और तीज तो हमारे पर्व होता है, हमारे हिंदुओं में तीज जी का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो हरियाली तीज का, आज सावन का है, और इनरविल जो हमारा क्लब है उसमें हर लोग हर तरह के रंग बिरंगे मतलब वेशभूषा में आज प्रस्तुत होंगे, और हम लोग ये चाहेंगे सोशल वर्क में हम लोग आज वृक्षारोपण भी करेंगे, फ्रेंडशिप डे भी मनाएंगे, और बस त्यौहार का हर उल्लास के साथ हम लोग इनरविल का। आपके कार्यकाल का पहला प्रोग्राम है? हाँ, मेरा कार्यकाल का पहला, लगता है बहुत अच्छा होगा। हाँ, मुझे तो लगता है, और इतने सपोर्टेड यहाँ पे सब लोग हैं, जितने बड़े लोग इतने सपोर्टेड हैं, और देखिए सब तैयारियां करके आए हुए हैं। तो बस ये है कि आप लोग का से, और सबसे बड़ा तो मीडिया वाले लोग का बड़ा सहयोग हमारे लिए है कि हर मौके पर इनरविल का सहयोग देते रहते हैं, और उनको जानकारियाँ हमारे जो बलिया में है, बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि इनरविल है क्या चीज़, तो अब आपके माध्यम से इनरविल का बहुत ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है, सब लोग जुड़ना भी चाहते हैं, और काफ़ी लोग जुड़ गए हमारे से। तो बहुत आपका तो है ही है, बहुत बड़ा आभार हम लोग प्रकट करते हैं पूरे मीडिया भाई लोगों का, और आपका तो सहयोग। चलिए, सरिता गुप्ता जी ने बताया कि आप तो इनरविल क्लब पूर्वांचल में यूपी टॉप करने जा रहा है, बेहतर हो रहा है बलिया में, ये बिरगु क्षेत्र से बहुत ही अच्छा लगता है कार्यक्रम, चूंकि इनकी टीम बड़ी मजबूत है, एक फोन पे पूरी टीम इकट्ठा होती है, विशेष कार्यक्रम में भाग लेती है। आइए बात करते हैं, देखिए दिए जल रहे हैं। आपने देखा इनरविल क्लब की तरफ से जो आप ऑफिसर्स क्लब में कार्यक्रम देख रहे थे, किस तरीके से क्लब के लोगों ने, महिलाओं ने जिस तरीके से आयोजन किया है, आप फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।